उत्तर प्रदेश की धरती धर्म और अध्यात्म की धरती है। दुनिया को मैत्री, करुणा एवं शांति का संदेश देती रही है। यहाँ अनेक अवतारों और तपस्वियों ने जन्म लिया, साथ ही ये धरती देश की आजादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले वीरों की भी जन्मभूमि रही है। प्रथम स्वातंत्र समर 1857 से लेकर 1947 तक उत्तर प्रदेश जन क्रांति का प्रमुख केंद्र रहा। अंग्रेजी हुकूमत की तानाशाही और उत्पीड़न के खिलाफ गोरखपुर के वीर सपूतों ने भी बढ़ चढ़कर योगदान दिया। डुमरी स्टेट के बंधु सिंह के नेतृत्व में 1857 का स्वातंत्र समर आगे बढ़ा तो 6 जून 1857 को नरहरपुर स्टेट के राजा हरिप्रसाद मल्ल के नेतृत्व में बड़हलगंज पुलिस चौकी पर कब्जा हुआ। इसमें बढ़िया पार स्टेट ने भी सहयोग किया। कालांतर में गोरक्षपीठ के योगियों की परंपरा के महंत दिग्विजय नाथ जी ने गांधी जी की अगुवाई में स्थानीय स्तर पर आंदोलन का नेतृत्व किया। वहीं 1922 में भारत माँ के सपूतों ने गोरखपुर के ही चौरी चौरा के जन आंदोलन की चिंगारी से समूचे देश में आजादी की नई अलख जगाई। चौरी चौरा में राष्ट्रभक्तों ने ब्रिटिश साम्राज्य के प्रतीक थाने को ध्वस्त कर अंग्रेजों के शासन को चुनौती दी थी। इस जन आंदोलन ने आजादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज जो हम स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं, उसके पीछे मां भारती के लाखों बेटे बेटियों, उनका त्याग, उनका बलिदान और मां भारती को आजाद कराने के संकल्प के प्रति उनका समर्पण, आज ऐसे सभी हमारे स्वतंत्र सेनानियों का, आजादी के वीरों का, नर बांकुरों का, वीर शहीदों का नमन करने का ये पर्व है। आज हम चौरी चौरा की जन क्रांति के शताब्दी वर्ष में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस उपलक्ष्य में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव का शुभारंभ माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदी बेन पटेल और मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की गरिमामयी उपस्थिति में होने जा रहा है। प्रदेश के अंदर चौरी चौरा की घटना को ऐतिहासिक प्रतीक्ष में रखते हुए प्रत्येक नागरिक तक भारत के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बारे में हम लोग आम जन के मन में एक भाव पैदा कर सकें, इस एक कार्यक्रम की रूपरेखा प्रारंभ की गई है। ये समारोह वर्ष पर्यंत समूचे प्रदेश में विभिन्न माध्यमों से मनाया जाएगा। आइए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के साथ एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लक्ष्य से अपने सपनों, आकांक्षाओं और प्रयासों को जोड़ें। स्वरत्तेह स्वराष्ट्रम रक्षेत।